नमस्ते शार्क। नमस्ते। हम एक ऐसा रिवॉल्यूशनरी आइसक्रीम ब्रांड है जो कि एक वेगन होने के साथ साथ, यानी कि डेयरी फ्री होने के साथ साथ, इसमें प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक फीचर भी है। इसके अंदर हमने डाइट्री फाइबर इन्फ्यूज करे हैं जो कि वजन और कोलेस्ट्रॉल घटाने में आपकी मदद करता है। सो आइसक्रीम विद फाइबर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। इसके अलावा हमारे पास आयुर्वेदिक आइसक्रीम्स की भी काफी रेंज है। जैसे एक हमारा प्रोडक्ट है लव पोशन, उसके अंदर हमने अश्वगंधा का इस्तेमाल करा है। ऐसे एक हमारा फ्लेवर है एलिक्सर ऑफ लाइफ, जिसके अंदर हमने तुलसी और दालचीनी के एक्सट्रैक्ट्स का इस्तेमाल करा है। और एक प्रोडक्ट है थर्ड आई ओपनर, जिसके अंदर हमने ब्राह्मी बकोपा का इस्तेमाल करा है। हम F&B इंडस्ट्री में पिछले 40 सालों से हैं और 1983 में मेरे पिताजी ने बहुत सात्विक सोच के साथ एक छोटी सी हाथ से चलाने वाली एक लकड़ी की पेटी से इसकी शुरुआत करी थी। आज हमारे पास 90 से ज़्यादा आइसक्रीम के फ्लेवर्स तो हैं ही, साथ में शेक्स और आइसक्रीम्स की भी कई वेराइटीज हैं। हम हैं दिल्ली के मशहूर गोपाल्स 56। मेरा नाम गौरव गोयल है और मैं 38 साल का हूँ। मैंने एक सपना देखा है। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ दिल्ली नहीं, देश विदेश में भी लोग गोपाल 56 के उत्पादों का लुत्फ उठा सके। आपको कुछ मीठा खिलाया जाए? लाइए कन्हैया जी। फेदर बड़ा अलग ही लग रहा है, सही लग रहा है। ये कौन सा फ्लेवर खा रहे हैं हम? चरणामृत। बस आपका आस्क क्या था? 25% फॉर 300 करोड़। 300 करोड़ हम देंगे। वैल्यूएशन है 1200 करोड़। इसको थोड़ा हजम करने के लिए पहले आपकी आइसक्रीम खा लेते हैं। आइसक्रीम तो खा ही लो, हजम हो ना हो। ये शार्क टैंक के इतिहास में सबसे बड़ा आस्क होगा। ये सारे फ्लेवर चरणामृत है। यही फ्लेवर क्यों चूज किया आपने? डिस्टिंक्टिव फ्लेवर। चरणामृत खा के आप 300 करोड़ रुपए देंगे। इसलिए चूज किया गया है। फ्लेवर तो अच्छा है। आइसक्रीम तो अच्छी है। आइसक्रीम बहुत बढ़िया भाई। और साथ में सिनेमन भी है। फ्लेवर इज गुड। वैल्यूएशन का पता नहीं, लेकिन आइसक्रीम अच्छी। तो गौरव जी, थोड़ा वैल्यूएशन से दूर जाते हैं। सर, आपने पढ़ाई क्या की है? सर, मैंने BBA करी है और आई हैव आल्सो रिसीव्ड एन ऑनररी डॉक्टरेट इन बिजनेस मैनेजमेंट। And along with that, I'm doing law also. तो आप एक second generation entrepreneur next level पे लेके जाना चाहते हैं? जी। तो आप ये बताइए कि दिल्ली की एक खासियत है, दिल्ली में कोई वेट नहीं देख रहा होता, उसको बस टेस्ट चाहिए, तो हम खा के मजा आना चाहिए। Correct. तो आपका क्लाइंटेल मेन मार्केट तो दिल्ली है। Yes. पर जो प्रोडक्ट आप बनाया है, तो उसमें आपने पहला फोकस टेस्ट पे रखा या ये फोकस ये था कि नहीं इसको डेयरी फ्री बनाना है? Both the things. टेस्ट की जहां तक बात आती है, प्राइमरी तो आइसक्रीम या डेजर्ट कोई भी कोई खाता है तो उसका उद्देश्य होता है मिठास का स्वाद लेना। लेकिन हमने कोशिश ये करी कि हम उस मिठास के साथ साथ जो बॉडी के अंदर जो जाने वाले कंपोनेंट्स हैं उनको थोड़ा सा सेंसिबली डालें। तो दिल्ली में कहाँ पे आपका? दिल्ली में कालकाजी में। एक शॉप है? बहुत सारी शॉप नहीं, हमारा 2-3 आउटलेट्स हैं। एक CBI हेडक्वार्टर्स के अंदर हमारा आउटलेट है जो कि इनसाइड ही है, मतलब ओनली द स्टाफ कैन यूज इट। भाई ध्यान से बोलना जो भी बोलोगे अगला शब्द। एंड स्कूल्स के अंदर है, उसके अलावा इंडियन एयरफोर्स को हम लोग सप्लाई करते हैं और एम्बेसीज के साथ भी काम करते हैं। हमारी एक अभी एक बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर एक कंपनी हमने खोली है अमेरिका में, कैलिफोर्निया में। आप मेरे को एक बात बताइए, आपको कैलिफोर्निया जाना है, मानिए कालकाजी से निकलेंगे तो सड़क पकड़ेंगे आउटर रिंग रोड, पहले एयरपोर्ट तो जाएंगे। एयरपोर्ट के रास्ते में GK आएगा, मालवीय नगर आएगा, IIT आएगा, इतनी सारी मार्केट आपको दिख रही है। आप कालकाजी के बाहर एक दुकान तो पहले खोलेंगे, आप सीधा कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को में जाके दुकान खोलने की बातें कर रहे हैं, तो वो बेतुकी बात। ये जो आपका अभी कालकाजी में जो दुकान है, मेरे घर के बहुत पास है, मेरे को पूरा मार्केट पता है। तो कालकाजी के स्टोर से कितनी सेल है? लगभग 4-4.5 करोड़ की सेल है सालाना। जी। एक स्टोर से? यस। और क्या प्रॉफिट आता है आपको कालकाजी स्टोर से? दैट्स अबाउट 20-21%। 80 लाख के करीब आपका प्रॉफिट है साल का, ये लगभग। एक मिनट, प्रोबायोटिक, डाइटरी फाइबर, आयुर्वेदा, ये सब आपने यूज किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या आपने ट्रायल्स किए हैं इन टर्म्स ऑफ द बेनिफिट्स दैट यू आर क्लेमिंग, और आपके पास ये एक्सपर्ट्स
है कि नहीं? है। कौन है? So I cannot name her, but she's called the guru. What are her qualifications? She's a dairy technologist. Yeah, but what about all the scientific ingredients and इसके ऊपर the fibers and the probiotics? इसके ऊपर हमने कुछ testing. उनका qualification है? उसकी testing report है। सारी बात आपकी मेरे को बढ़िया लग रही है। एक चीज से जिससे हम सब हिल चुके हैं और जो आइसक्रीम खाने के बाद दिमाग ठंडा करने पे भी नहीं हजम हो रही वो आपकी वैल्यूएशन है। आप यहाँ पे आके हमसे बोल रहे हैं कि हम 300 करोड़ रुपए लगाएं, जो कि अगर हम आपस में भी बांट लें तो 60-60 करोड़ रुपए हो जाएगा और उससे हमको आपकी कंपनी का 25% हिस्सा मिलेगा। क्या मैं सही समझ रहा हूँ या कहीं करोड़ लाख में कहीं गड़बड़ हो गई है? नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। 300 करोड़ से करोगे क्या, रिटायर हो गए आप? 300 करोड़ से मतलब ये नहीं है कि हमने इन्फ्यूज करना है एकदम से फंड। सो द प्राइमरी पर्पस वाज टू सेट अप फुल फ्लेज्ड प्रोडक्शन यूनिट एंड मार्केटिंग एंड देन द मेजर अमाउंट वुड गो इनटू द इन्वेंटरी बिकॉज द इन्वेंटरी इज ह्यूज। मेरे को चकरा रहे हो आप। मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, उनको मार्केट कैप्चर करने के लिए 300 करोड़ के स्टॉक की जरूरत है, राइट? वो 300 करोड़ का स्टॉक वो जरूरी नहीं है, इक्विटी के थ्रू चाहिए। वो डेट भी ले, क्रेडिट लाइन मिल जाए, वर्किंग कैपिटल मिल जाए, वो मिल जाए। वी कैन आल्सो थिंक इन फेजेस।